नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम आज माध्यमिक इंग्लिश फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो 14 मार्क्स का है, इसके तहत देखेंगे किताब से कौन सा पार्ट आएगा और क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनेगा। चलिए किताब में चलते हैं, पेज नंबर 66 पर आइए। आप किताब खोल लीजिएगा तो देखिएगा, लेसन 1 फादर्स हेल्प, लेसन 2 फेवर, लेसन 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू। इन तीन पार्टों में से तीन पार्ट सिलेबस में है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए। वैसे स्कूल अपना बता सकती है, अपना अपना स्कूल में अलग अलग, बट बोर्ड की तरफ से ये तीन पार्ट दिया गया है, फादर्स हेल्प, फेवर और द पासिंग अवे ऑफ बापू। इन तीनों में से सीन में पूछा जाएगा। रहा अनसीन में, अच्छा इसमें से दो भी पूछा जा सकता है और कोई एक भी, तीनों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है और दो भी, तीन नहीं पूछा जाएगा, दो या एक। दूसरा अनसीन रहेगा न्यूज़पेपर से, और ये हुआ सीन अनसीन। ग्रामर में जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, टेंस लेसन 1 से है, लेसन 2 से वॉयस, फ्रेजल वर्ब्स, वॉयस और फ्रेजल वर्ब्स है, लेसन 3 से ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग, ये है। तो ये रहा आपका ग्रामर से, इसे हम लिखते हैं। ग्रामर में है आपका आर्टिकल, प्रीपोजिशन लिख सकते हैं हम, आर्टिकल और ये आर्टिकल्स हो जाए, साथ ही प्रीपोजिशन एक साथ ही बनना होता है, तो प्रीपोजिशन एक साथ लिख दे रहा हूँ, तो इसे हम लोग को याद रखना है, आर्टिकल प्रीपोजिशन। ये आपका ग्रामर का पहला हुआ। देखते हैं टेंस है, उसके बाद टेंस है। टेंस में आपका वर्ब का रूप लिखना पड़ता है, मतलब कि आपका खाली जगह दिया रहेगा उसमें भरना है, तो टेंस वर्ब का रूप। इसके बाद आपका वॉयस है, वॉयस लिखे तो आपका तीसरा वॉयस, आर्टिकल प्रीपोजिशन टेंस वॉयस, फिर फ्रेजल वर्ब्स, चार नंबर हम लिखते हैं फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स है। इसको ज्वाइन एंड स्प्लिट, तो आपका ज्वाइनिंग है एंड स्प्लिटिंग, ज्वाइनिंग स्प्लिटिंग एक नंबर का, मार्क्स जो भी हो पर ये सिलेबस में है, पर अपना अपना स्कूल है, वो स्कूल के हिसाब से अलग अलग बता सकते हैं, सर बता देंगे आपको अगर अलग देना होगा तो। तो आर्टिकल प्रीपोजिशन टेंस वॉयस, फ्रेजल वर्ब्स, ज्वाइनिंग एंड स्प्लिटिंग, ये बताया गया ग्रामर की तरफ से। अब आखिरी जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल के तहत आपका 10 मार्क्स का कोई एक रहेगा। इसमें आपका पहला पार्ट लेसन 1 से जो है आप एडिटर लेटर्स इम्पॉर्टेंट है, एडिटर लेटर हो गया पहला पार्ट से। पार्ट 2 से आपका है पैराग्राफ, पार्ट 3 में है प्रोसेस और बायोग्राफी। तो ये चार टॉपिक है, इन चार टॉपिक में से कोई एक टॉपिक या दो टॉपिक देकर बोला जाएगा एक लिखने के लिए 10 मार्क्स का। चलिए लिखते हैं, तो पहला क्या था आपका एडिटर लेटर्स।
तो वो एडिटर लेटर है आपका, दिया हुआ है याद कर लीजिएगा, एडिटर लेटर है। उसके बाद फॉर्मेट इसका याद रखना है, एडिटर के बाद जो था आपका पैराग्राफ, साथ ही इनफॉर्मल लेटर्स भी हैं। तो एडिटर लेटर के साथ ही आपका इनफॉर्मल लेटर्स, इसके साथ आपका फ्रेंड को ही अधिकतर आता है, फ्रेंड को लेटर लिख सकते हैं आप, फॉर्मेट याद रखिएगा फ्रेंड लेटर। इसके बाद है आपका प्रोसेस, पैराग्राफ है, पैराग्राफ, फिर प्रोसेस और बायोग्राफी, प्रोसेस ग्राफी। तो इस तरह से पांच एडिटरी लेटर, इनफॉर्मल लेटर जैसे फ्रेंड लेटर वो आएगा, पैराग्राफ, प्रोसेस और बायोग्राफी, इन पांच टॉपिक है, इसमें से कोई एक दिया रहेगा। तो ये आपको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और साथ ही आपका ये ग्रामर है, तो और सीन अनसीन तो तीन पार्ट है ही, सीन के लिए, अनसीन आपका न्यूज़पेपर है, इन्हीं में से कोई ना कोई रहेगा, आपको करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक एक करके देख लीजिएगा, एडिटर लेटर, इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ, प्रोसेस, बायोग्राफी, किताब में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट के आधार पर फॉर्मेट देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो इस तरह माध्यमिक इंग्लिश फर्स्ट यूनिट टेस्ट 40 मार्क्स का सिलेबस देख लिया हम लोग। धन्यवाद।